हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप लॉक के बारे में, जिस ऐप लॉक से आप दोस्तों काफ़ी सारे जो है तो अच्छे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, और आपके ऐप की उस ऐप की मदद से आप जो है तो अपने मोबाइल को बिना टच किए या बिना कोई की दबाए हुए अपने मोबाइल को लॉक भी कर सकते हैं, उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, मैं आपको यही इसी मेथड के बारे में बताने वाला था कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को बिना टच किए हुए बिना छुए हुए आप अपने मोबाइल को जो है तो लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर ये वीडियो को आप दोस्तों पूरा नहीं देखेंगे तो आप ये वीडियो समझ में नहीं आएगी किस तरह से आप इसमें जो है तो आपको काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका ऐप का नाम है प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक ऐप जो है, तो आप सिंपली उस पे टैग करके सिंपल आप जो है तो उसको ओपन कर लेंगे। मैंने इसको एक बार ओपन कर लिया था तो, और इसमें जो है तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मंगाएगा इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो आपको सिंपल है, आपको उस पर परमिशन दे देनी होगी। जब आप परमिशन दे देंगे तो सिंपल है, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद साथ साथ मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप सिंपल है जाकर वहां से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद सिंपल है, आप जब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद सिंपल है, यहां पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। जब स्क्रीन लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिंपल है अपने सेंसर पे स्वैप करेंगे अपने हाथ से, तो आपको कुछ छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सेंसर पे स्वैप करेंगे तो आपका स्क्रीन लॉक अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है स्क्रीन लॉक का, तो सिंपल है, आप जब स्क्रीन लॉक पे टिक करेंगे, आप अपने सेंसर के पास जो है तो स्वैप करेंगे तो आपका जो है तो स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थर्ड पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन पर दिया हुआ है लॉक अनलॉक दोनों। तो आप जैसे ही अपने सेंसर पे जो है तो हाथ लगाएंगे तो सेंसर पे स्वैप करेंगे तो दोस्तों आपका ऑटोमेटिक जो है तो लॉक हो जाएगा आपका मोबाइल, और फिर से दोबारा सेंसर पे आप जो है तो एक बार फिर स्वैप करेंगे तो आपका मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, ये तीन ट्रिक मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे है एक इस तरह का जो है पॉकेट प्रॉक्सिमिटी। तो पॉकेट प्रॉक्सिमिटी में मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऊपर वाले अपनी जेब में मोबाइल को रखते हैं, जैसे ही अपने आपको ना स्क्रीन ना आपको हाथ से स्वैप करना है ना आपको हाथ से जो है तो कुछ भी करना है, आपको सेंसर पे कुछ भी नहीं, जैसे ही आप ऊपर वाले जेब में प्रॉक्सिमिटी का ऑप्शन लगा करके आप सिंपली छोड़ देंगे इसको, प्रॉक्सिमिटी का ऑप्शन लगा करके छोड़ देंगे आप ऊपर वाले जेब में जब रखेंगे, तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप जेब में रखेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। आप जैसे ही अपने ऊपर वाले जेब से निकालते हैं अपने मोबाइल को तो उसी तरह से जैसे ही निकालेंगे आप उसी तरह वो अनलॉक हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका ये था। पाँचवा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे पॉकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिंपल ही इस पे क्लिक करेंगे। जब पॉकेट के ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपके पॉकेट के मतलब मैं आपको बता दूं कि आपके पैंट की जेब, अगर आपके अपने पैंट की जेब में जो है तो इस मोबाइल को रखते हैं, जैसे पैंट की जेब में आप इस मोबाइल को रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल जो है तो लॉक हो जाएगा, और जैसे ही आपके अपने पैंट के मोबाइल से निकालते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो है अनलॉक हो जाएगा। तो ये सिंपल है, पांच मेथड इसमें दिया हुआ था, तो मैंने पांचों मेथड के बारे में आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी सिर्फ इस लॉक को लगा के रखा है तो तब तो ठीक है, आपका मोबाइल अनलॉक भी हो जाएगा, लॉक भी हो जाएगा, अगर इन ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मोबाइल से कोई इंटरनल लॉक लगा कर रखा है तो उस लॉक को आपको सिंपल है आपको खोलना पड़ जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस लॉक की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप उस लॉक को नहीं लगा न लगाएं, और इस लॉक को लगाएंगे आप जैसे ही मोबाइल में रखेंगे अपने जेब में तो वो लॉक भी हो जाएगा, अनलॉक भी हो जाएगा। ऊपर के पॉकेट में रखेंगे वो भी लॉक अनलॉक हो जाएगा। आप हाथ से स्वैप करना चाहते हैं, हाथ से स्वैप करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों कि ये इसी में का मेथड है, और आप इस ऐप की यूज़ से आप जो है तो आप अपने मोबाइल को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बिना मोबाइल को टच किए हुए बिना किसी की को प्रेस किए हुए आप अपने मोबाइल को लॉक ऑन लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग का भी ऑप्शन है दोस्तों, सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सेंसर डिले का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप अपना सेंसर डिले जो है तो छोटा घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन इस ऑप्शंस को आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, आपको सिंपल है अगर आप इस
सेटिंग को हटाना चाहते हैं कि मैं अपना मोबाइल स्वैप से जो है तो लॉक अनलॉक नहीं करना चाहता, मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो यहां पे आप एग्ज़िट का बटन दिया हुआ है, आप सिंपल है एग्ज़िट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन लगा हुआ है आपको ऑटोमेटिक जो है तो ये हट जाएगा और आपका जो है तो मोबाइल फिर से पहले तरह का हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपका जो है तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है और कोई बड़ी एमबी का नहीं है, बस मैक्सिमम 5 MB से भी छोटा का सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मेरा लिंक पर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।